नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज चौहान है और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अमेजिंग ऐप जिसके थ्रू आप अपने DJI के मैविक मिनी ड्रोन को, मैविक मिनी 2 ड्रोन को 15 मीटर से हटा के 500 मीटर तक की रेंज दे सकते हैं। ठीक है, बट इट्स योर ओन रिक्स, तो थोड़ा सा संभल के इसको यूज करना है। ठीक है, अपने को, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे DJI फ्लाई ऐप के थ्रू। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। चलिए, वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इसमें एक ऐप डाउनलोड किया है रेनबो ऐप करके। ये ऐप फ्री का है। ठीक है, 2-3 और ऐप है जो पेड वर्जन में है, लेकिन अभी हम फ्री ऐप, फ्री वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, फ्री ऐप को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम आपको चेक कराते हैं कि DJI के फ्लाई ऐप में इसका कितना सेट है, कि ये कितना ऊंचा तक जा सकता है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड इसका कितना है। तो ये 15 मीटर पर सेट है। ठीक है, रिटर्न टू होम भी आपको 15 मीटर से नीचे का नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसको अगर हमको इंक्रीज करना है तो या तो हमको ड्रोन को हैक करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हमको क्या बोलता है उसको, नया ऐप लेना पड़ेगा, लीची, जो कि 2500 रुपये का है, लेकिन रेनबो ऐप फ्री का है। उसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले तो आपको अपने RC से मोबाइल को डिसकनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर अपने DJI फ्लाई ऐप को बंद कर दीजिए। उसके बाद आप चले जाइए सीधा रेनबो ऐप में, उसको ओपन कर लीजिए। अब आप अपने RC को फ़ोन से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप किस ऐप से खोलना चाहते हैं। तो अभी आप इसको याद रखिएगा, किसी पे भी आपको सेट नहीं करना है कि जब भी हम ड्रोन को फ़ोन से कनेक्ट करें, RC को फ़ोन से कनेक्ट करें, तो डायरेक्टली हमको DJI का फ्लाई ऐप खुल जाए या फिर रेनबो खुल जाए। आपको ये दोनों को ऐसे ही रखना है। तो हम लोग पहले रेनबो चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप चूज़ कीजिएगा, आपको इस ऐप में आपका एयरक्राफ्ट लोकेट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखाने लगेगा कि कहाँ पे है, क्या है, क्या नहीं है। एवरीथिंग इज शोइंग यू ऑन दिस ऐप। ओह माय गॉड, सो मच इंग्लिश। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे इस ऐप में आपको दिख रहा होगा रेडी टू गो लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ मैक्सिमम एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको 120 मीटर्स करके डन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ऐप को भी हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, और अपने RC से मोबाइल को डिसकनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब फिर से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमको ये पूछेगा कि किस ऐप से खोलना है, तो हम लोग DJI ऐप को चूज कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको चूज कीजिएगा, आपका प्रोफाइल DJI फ्लाई ऐप पे खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 120 मीटर्स पे सेट हो चुका है कि अब ये ड्रोन 120 मीटर्स की हाइट तक जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको थोड़ा संभाल के यूज़ कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप इसको यूज़ कर रहे हो और आपके ड्रोन के साथ कुछ हो जाए, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। तो थोड़ा संभाल के यूज़ करो, बाकी ऑल सेट है इस ड्रोन के साथ। ड्रोन भी बहुत अच्छा है, 4K की क्वालिटी है इस ड्रोन की, ड्रोन बहुत रिलायबल है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए, और जल्दी ही DJI का फ्लाई ऐप भी आपको 120 मीटर्स का रेंज देने लगेगा, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर दिया है कि हमारे नैनो कैटेगरी के जितने भी ड्रोन वो सारे 120 मीटर्स पे जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि या तो कुछ दिन वेट कर लो, या फिर रेनबो ऐप के थ्रू आप अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड को बाईपास कर लो। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट में नीचे ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है, और ये भी बताना कि ये वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं रही। हम अगले वीडियो में इस ऐप के थ्रू आपको अपने ड्रोन को उड़ा के दिखाएंगे कि ये 120 मीटर्स तक जाती है या नहीं जाती है। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।